नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। वैश्विक महामारी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण का दूसरा एवं तीसरा फेज भी शुरू होने वाला है। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन की ओर से शहर की बड़ी कंपनियों को CSR के तहत मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की अपील की गई थी। इसी क्रम में टाटा ब्लूस्कोप की ओर से टाटा मोटर्स में निर्मित BS6 मॉडल की एम्बुलेंस मंगलवार को जिला प्रशासन को सौंपी गई। इस दौरान जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। मौके पर यूनियन नेता राकेश पांडे, ब्लूस्कोप चीफ ऑपरेशन डॉक्टर आशीष भादुड़ी के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने टाटा ब्लूस्कोप प्रबंधन के सहयोग की सराहना की। उन्होंने बताया इस एम्बुलेंस का प्रयोग फिलहाल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए किया जाएगा। वहीं उन्होंने शहर की अन्य बड़ी कंपनियों से भी अपने CSR फंड के तहत ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की। COVID-19 के संक्रमण काल में समस्त कॉर्पोरेट के साथ में एक बैठक करके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनके द्वारा कुछ भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है तो वो एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। इसी क्रम में आज टाटा ब्लूस्कोप के द्वारा डिस्ट्रिक्ट को ये BS6 कम्प्लायंट टाटा मोटर्स का बिल्कुल नया एम्बुलेंस जो है वो CSR के तहत डोनेट किया जा रहा है। वर्तमान में इस एम्बुलेंस का उपयोग कोविड संक्रमित पेशेंट्स के लिए किया जाएगा और कोविड संक्रमण के बाद में रेगुलर जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है उनमें इस एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। एक बार संपूर्ण हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग प्रभारी हैं टाटा ब्लूस्कोप के एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने हम लोगों को CSR के तहत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। वही जानकारी देते हुए ब्लूस्कोप के चीफ ऑपरेशन डॉक्टर आशीष भादुरी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कंपनी प्रबंधन टाटा ग्रुप लगातार इस तरह के काम करते आई है और आगे भी करती रहेगी। इससे पूर्व वैश्विक महामारी के दौरान कंपनी प्रबंधन द्वारा SSP ऑफिस, DC ऑफिस के अलावा शहर के कई क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया और आगे भी कंपनी CSR के तहत जनता की सेवा के लिए काम करती रहेगी। अभी जो स्थिति है झारखंड में और देश भर में, इसमें कोरोना का जो सिचुएशन है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जब तक वैक्सीन अवेलेबल होता नहीं है तब तक हम लोगों ने भी सोचा था कि एक एम्बुलेंस से शुरुआत कहीं पे होना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने कुछ सैनिटाइजर और बहुत कुछ लोकल हेल्थ में जैसे विलेजेस वगैरह में दिया था और यहाँ पे ये अंत नहीं होता, इसके बाद भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल जैसे TMH है और भी सारे हॉस्पिटल्स में हमारा काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे दिया है, DC ऑफिस में दिया है, SP ऑफिस में दिया है और एज अ टाटा ग्रुप कंपनी जो हमारा CSR का जो पॉलिसी है उसमें हम जब भी कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको फॉलो करते हैं। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।